ऑफलाइन मार्केट की बात करें, 50,000 से ऊपर की प्राइस में अगर आपने फ़ोन लेना है तो वीवो ओप्पो के फ़ोन काफ़ी ज़्यादा सेल होते हैं और ज़्यादा बेस्ट वीवो के फ़ोन मुझे लगते हैं। तो ये फ़ोन जो आपको बताने वाला हूँ V23 वाला है, जो 5G वाला वेरियंट है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वीवो का ये वाला फ़ोन पाकिस्तान में हो सकता है फरवरी या मार्च के मंथ में पाकिस्तान में मिले। वीवो V23 5G वाला जो वेरियंट है और इसका जो डिज़ाइन है आउटस्टैंडिंग किस्म का है। बॉक्स ही डिज़ाइन है इसका, 7.6 mm थिकनेस पे स्लिम फोन है, 180 ग्राम वेट है। एमोलेड डिस्प्ले है इसमें, 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है और इसमें नॉच काफ़ी बड़ी दी गई है, जो कि पहले से वीवो चाइना में इसी तरह के फ़ोन लॉन्च कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है। तो ये नॉच मुझे कुछ उससे ठीक ही लगी है, क्योंकि आईफोन जैसी लुक आपको मिल जाती है और सेल्फी कैमरा भी काफ़ी तगड़े हैं मिलते हैं। 6.44 इंच का जो डिस्प्ले है, 1080p की रेजोल्यूशन है और इसमें ग्लास की प्रोटेक्शन है फ्रंट पे। एंड्रॉयड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें मिलता है, वीवो के अपने कस्टमाइज फ्रंट टच 12 के साथ। तो इसमें 5G वाला चिपसेट है, मीडियाटेक का डायमेंसिटी 920 वाला, 6nm टेक्नोलॉजी पे है, नॉर्मल यूज के लिए भी काफी तगड़ा है। A78 A55 वाले इसमें कोर्स है और एंटीटू स्कोर इसके 400,000 से ऊपर ही आते हैं। तो ये पाकिस्तान में 4G डिसेबल करके भी लॉन्च कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्राइस कम देखने को मिलती है और अभी के टाइम 5G आप यूज भी नहीं कर सकते पाकिस्तान में। 8GB रैम है इसमें, 128GB की स्टोरेज है, 3 कैमरे हैं इसकी बैक पे, लेकिन डिजाइन काफी चेंज किया गया है जो पिछले वीवो के फोन थे। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है इसमें, एक मैक्रो सेंसर है, 4K वीडियो 30fps में बैक कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हैं और फ्रंट कैमरा से भी। डुअल सेल्फी कैमरा है इसमें, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। तो स्पेशली कैमरा के लिए वीवो के फोन तगड़े होते हैं, जो कि ये फोन उनमें से बेस्ट है सेल्फी कैमरा के लिए। व्लॉगिंग वगैरह के लिए आपको अगर फोन चाहिए तो बेस्ट रहेगा ये। सिंगल स्पीकर है इसमें, वाईफाई 5 है, ब्लूटूथ 5.2 वाला है, फिंगरप्रिंट स्कैनर अंडर डिस्प्ले है और जेरोस्कोप हार्डवेयरली मिल जाता है इसमें, बाकी के सेंसर भी हैं। 4200mAh की बैटरी और 44W का फास्ट चार्जर है इसमें, जो कि 30 मिनट के अंदर 68% बैटरी कर देगा। दो कलर आते हैं इसमें, सनशाइन गोल्ड और ब्लैक वाला। ओवरऑल फोन देखे तो मुझे काफी तगड़ा फोन लगा है, स्पेसिफिकेशन वाइज भी और डिजाइन वाइज भी। और ये वाला फोन इसी डिजाइन के साथ अगर पाकिस्तान में आता है तो काफी तबाही में जा सकता है और प्राइस इसकी पाकिस्तान में 60,000 तक की होगी और हो सकता है कि इसमें चिपसेट को चेंज कर दिया जाए, तब भी ये फोन काफी तगड़ा होगा जो इस दफा डिजाइन दिया है इसका। तो वेट कर सकते हैं, अगर आप वीवो का वी सीरीज में कोई फोन लेना चाहते हैं तो फरवरी या मार्च के मंथ में हो सकता है वीवो लॉन्च करे। तो अभी के टाइम भी अगर वीवो के फोन देखें तो ओप्पो से ठीक ही होते हैं। रेनो 6 इन्होंने पुराने डिजाइन के साथ फोन लॉन्च कर रखा है पाकिस्तान में, जबकि वीवो नए डिजाइन के साथ जो ग्लोबली फोन गया था वही पाकिस्तान में आया था। 5G वाला चिपसेट था लेकिन 5G इनेबल नहीं था, लेकिन 5G तो आप यूज भी नहीं कर सकते, तो चिपसेट के मामले में इस दफा भी थोड़ा कंप्रोमाइज हो सकता है। लेकिन अगर यही डिजाइन यही कैमरे के साथ फोन आता है तो काफी तगड़ा फोन मुझे लगा है। तो आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।